छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने फिलहाल 30 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस की सूची आने के साथ ही अब भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने रायपुर के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मात्र 30 लोगों के नामों का ऐलान किया है किए गए और कांग्रेस के कई प्रत्याशियों पर कुछ ना कुछ आरोप लगे हैं। आज नवरात्रि के पहले दिन आपके साथ में रूबरू होने का अवसर मिला। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ हम सबके मनोरथ को पूर्ण करे। कांग्रेस पार्टी की सूची जारी हुई और बहुत मुहूर्त देखकर उन्होंने सूची को जारी किया, लेकिन सूची जारी हुई वो भी मात्र 30 लोगों की। डरते सकुचाते कांग्रेस पार्टी ने जब 30 लोगों की मात्र सूची जारी करी, और जो 30 लोगों की सूची जारी की है उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि बहुतायत पुराने चेहरे ही रिपीट किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन हमने सूची जारी करी और पूरे प्रत्याशियों की सूची हमने जारी करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब 30 लोगों की सूची जारी करी और जिनकी सूची जारी हुई है पुराने चेहरे, घिसे पिटे चेहरे, जिनका मैदान में कहीं कोई औचित्य नहीं है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इस सूची के साथ कांग्रेस पार्टी की